हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आई होप सो यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर डेमो टीचिंग्स एंड इंटरव्यू 2023। और हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर वो KVS से रिलेटेड, चाहे KVS के कल्चर्स हो, चाहे KVS की स्कीम्स हो, चाहे KVS की जो भी योजनाएँ हो, वो KVS के कितने स्कूल्स हैं, KVS से करंट रिलेटेड जो भी हैं चीज़ें, मैंने सारी चीज़ें अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा दिया है। तो अगर आप ऐसे अपनी KVS इंटरव्यू और डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने KVS इंटरव्यू और डेमो टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ के लिए एक डेमो प्रिपेयर करके आए हैं जो आप सभी के लिए, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो हाउ टू गिव अ बेटर डेमो ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लीज़ वॉच इट, वॉच द कम्प्लीट वीडियो फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। तो माई डियर फ्रेंड्स, चलिए मैं आप सभी के सामने एक डेमो प्रेजेंट करता हूँ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो किड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है अमन? बेटा खाना नहीं खा के आयो क्या लगता है? ब्रेकफास्ट करके आयो? वेरी गुड। अच्छा बच्चों, कल हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा था ना, तो कल की तरह आज भी हम एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक और पोयम, एक बहुत इंटरेस्टिंग पोयम गा के हम लोग डांस करेंगे, ठीक है? तो इंटरेस्टेड हो सभी लोग? पक्का? अपना हैंड रेज अप करिए सब लोग। वेरी गुड। तो बच्चों उससे पहले टेल मी द डेट, व्हाट इज द डेट टुडे? 29 सितंबर 2013। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट? EVS। वेरी गुड। एंड टॉपिक आई विल टेल यू आफ्टर या लेटर। ओके माय डियर स्टूडेंट, जल्दी जल्दी ये बताओ कि क्या कभी आपने सोचा बच्चा कि अगर इस पृथ्वी पे, इस धरती पे फूड नहीं होता तो क्या हम सरवाइव कर पाते? क्या कभी आपने सोचा? नहीं ना। अच्छा सोचो, एक मिनट के लिए सोचो कि अगर फूड नहीं होता तो क्या होता? सबकी डेथ हो जाती। वेरी गुड, सबकी डेथ हो जाती। तो बच्चा इसीलिए फूड हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा डेली आप कुछ ना कुछ खाते हो, तो क्या कभी आपने सोचा बच्चा, आप मॉर्निंग में उठते हो जब स्कूल के लिए प्रिपेयर होते हैं सब, तो आप ब्रेकफास्ट तो जरूर करते हो ना, सभी करते हो? वेरी गुड। तो बच्चों ये बताओ कि मम्मा जब ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो मम्मा क्या जब कुछ भी बनाती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ सामान, कुछ ना कुछ फूड्स, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अच्छा अमन ये बताओ बेटा, तुमने ब्रेकफास्ट किया है आज? बिल्कुल। अच्छा लंच में क्या ले आए बच्चा? लंच में पूरी सब्जी। वेरी गुड। तो बच्चा ये बताओ कि पूरी जब बनाती है मम्मा, तो पूरी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या क्या क्या सामान की जरूरत होती है, जल्दी जल्दी बताओ दो। अच्छा आटे की? वेरी गुड। फ्लोर की जरूरत पड़ती है हमें? वेरी गुड। अच्छा उसके बाद? वेरी गुड। वाटर की भी जरूरत पड़ती है? वेरी गुड। उसके बाद गैस की, चूल्हे की भी जरूरत होती है हमें? वेरी गुड। और क्या जरूरत होती है बच्चा? कढ़ाई में तेल डाला और उसके बाद पूरी छान लिया बेल के? वेरी गुड। तो बच्चों क्या कभी सोचा आपने, प्लांट्स भी तो फूड बनाते होंगे, तो प्लांट्स क्या खाता होगा, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा ना। तो बच्चों आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आज का जो टॉपिक है हमारा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है? क्या है? फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड माय डियर बच्चों। तो बच्चों ये बताओ पहले, ये क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, तो जल्दी जल्दी सब बताओ क्या है ये, जल्दी जल्दी बताओ ये क्या है? क्या है? ट्री। वेरी गुड, दिस इज अ ट्री, ए ट्री है, ठीक है? तो बच्चों क्या कभी आपने सोचा कि जैसे मम्मा हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, उसको आटा, गैस और वाटर की ये सब की जरूरत होती है, वैसे प्लांट्स भी अपना खाना खुद ही बनाता है, और उसको क्या क्या जरूरत पड़ती है, क्या क्या जरूरत पड़ती है, जल्दी जल्दी बताइए। ओके वेरी गुड। पहले क्या जरूरत पड़ती है? इसको सन लाइट की जरूरत पड़ती है। किस चीज की? सन लाइट की। वेरी गुड। दूसरी क्या जरूरत पड़ती है बच्चों? इसको भी वाटर की जरूरत पड़ती है। और तीसरी क्या जरूरत पड़ती है इसको? इसको CO2 गैस की जरूरत पड़ती है। मम्मा गैस जलाती है ना, तभी तो खाना बनता है, तो वैसे ही इसको भी गैस की जरूरत पड़ती है। और चौथी चीज जो इसको जरूरत पड़ती है बच्चों, इसको जरूरत पड़ती है क्लोरोफिल, ठीक है? क्या जरूरत पड़ती है? क्लोरोफिल। वेरी गुड। तो बच्चों ये चार चीजों की, चार इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, क्या कहां से मिलता है सारी चीजें, तो हमें अपना खाना बनाने के लिए घर में मिल जाता है। अब पता करते हैं कि प्लांट्स जो है अपना खाना बनाता है, उसको कहां से क्या क्या मिलता है। तो बच्चों
जल्दी जल्दी बताओ। ये हो गया हमारा छोटा सा प्यारा सा प्लांट्स। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये छोटा सा प्यारा सा प्लांट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्लांट हो गया। अच्छा ये बताओ सनलाइट कहाँ से, हमें सनलाइट कहाँ से मिलती है बच्चों, हमें सनलाइट कहाँ से मिलती है, सन के मदद से। वेरी गुड, तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ये हो गए सन, ये क्या हो गए, सन हो गए। ठीक है, तो पहली चीज क्या जरूरत होती है, सन की। ठीक है, तो सनलाइट की जरूरत होती है, तो सनलाइट पेड़ को कहाँ से मिलता है, प्लांट्स को, तो इसको मिल जाता है सन से। वेरी गुड, और दूसरी चीज जरूरत पड़ती है बच्चों, दूसरी चीज वाटर की जरूरत पड़ती है पौधे को खाना बनाने के लिए, तो वाटर कहाँ से मिलता है, क्या भी आपने कभी आपने सोचा। तो जो प्लांट है वो किसकी मदद से खड़ा होता है, जमीन पे, अर्थ पे। वेरी गुड, तो वो सॉइल की वजह से खड़ा होता है। तो सॉइल में आपको पता है सॉइल में पानी भी वाटर भी होता है, तो ये जो रूट्स होती हैं बच्चों, इन रूट्स की मदद से ये पेड़ अपना पानी भी ले लेता है, ठीक, पानी पी लेता है। और बच्चों तीसरी क्या चीज जरूरत पड़ती है इसको, CO2 की जरूरत पड़ती है। वेरी गुड, तो मम्मा खाना बनाने के लिए गैस गैस जलाती है, उसको गैस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही बच्चों इसको भी क्या, किसी चीज की जरूरत पड़ती है, गैस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम CO2 बोलते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, अच्छा ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, आपको पता है ये क्या है, लीव्स। वेरी गुड, ये पत्तों के पास भी लीव्स होते हैं, ठीक है, लीव्स होती हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ऐसे ऐसे देखते हैं आप रहता है ना, तो इसको हम वेन्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वेन्स। वेरी गुड, और इसको क्या कहते हैं, इसको हड्डी इसके पास होती है एक छोटी सी, इसको हम मिडरिब कहते हैं, ठीक है, क्या, मिडरिब। और वहीं इसके जो टोस होते हैं इसको हम अपेक्स बोलते हैं। वेरी गुड, तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि वेन्स, जो वीन्स है हमारे पास भी नसें होती हैं, ठीक है, हमारे पास भी नसें होती हैं, देखिए वीन्स होती है ना। वेरी गुड, तो बच्चों जैसे मैंने चश्मा लगाया हुआ है और मैं क्लियर देखने के लिए क्या चश्मा को लगाया हूँ, वैसे ही बच्चों जब हम लीव्स को लेंस की मदद से देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, ऐसे टीनी टीनी टाइनी होल्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, होल्स पाए जाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ टाइनी होल्स लीव्स गेट देयर, क्या, गेट देयर गैस। वेरी गुड, तो बच्चों ये गैस जो CO2 है ये इसकी मदद से ले लेता है, ठीक है, इसमें पोर्स होते हैं जिसको हम पोर्स बोलते हैं। तो बच्चों CO2 क्या है, ले लेता है इसकी वजह से। तो बच्चों ये बताओ मुझे, अब ये बताओ कि अब चौथी चीज क्या बची इसमें, चौथी चीज बची क्लोरोफिल कहां से मिलता है, ठीक है, प्लांट्स को क्लोरोफिल कहां से मिलता है। अच्छा उसके पहले ये बताओ कि क्या कभी आपने सोचा कि पौधे की पत्तियां जो है वो ग्रीन होती हैं, कैसी होती हैं, बताओ बताओ जल्दी कैसी होती हैं, सब लोगों ने ग्रीन देखा, अच्छा ड्राई भी सूखी भी होती हैं, पीले कलर की। ओ वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बट ज्यादातर हम ग्रीन कलर की देखते हैं, तो ग्रीन किसके कारण होता है, ये क्लोरोफिल के कारण होता है। वेरी गुड, तो बच्चों ये जो पत्तियों को क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन, जो ग्रीन कलर होता है पत्तियों का वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। तो बच्चों अब अपना ये सारी चीजें पा गया, सारी चीजें इसको इंग्रेडिएंट्स मिल गई, अब बनाएगा अपना खाना, ठीक है, कैसे बनाएगा, सबसे पहले ये लेगा, सबसे पहले लेगा वाटर, क्या लेगा, वाटर लेगा, उसके बाद क्या लेगा, इसके बाद लेगा गैस, ठीक है, CO2 लेगा, तो H2O, ठीक है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के और सनलाइट के प्रेजेंस में, बच्चों किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बना लेता है अपना खाना, ठीक है, क्या मिलता है इससे, ग्लूकोज प्लस, क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। वेरी गुड, वेरी गुड, तो इसको क्या मिल जाता है बच्चों, ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि हम जब ऑक्सीजन, हम क्या जब इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट्स को भी मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या प्लांट क्या छोड़ता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और तो बच्चों इसको प्लांट को अपना फूड मिल जाता है, ठीक है, ग्लूकोज मिल जाता है, और ग्लूकोज वो
सबको भेज देता है। जिस तरह से मम्मा खाना प्रिपेयर करती हैं और पूरी फैमिली पापा दीदी मम्मा भाई को सबको देती हैं, उसी तरह प्लांट भी दूसरों को भी खाना देता है। प्लांट फ्रूट्स देता है ना हमें, तो प्लांट्स भी, जब प्लांट्स अपना फूड बना लेता है वो अपने लीव्स को अपने स्टेम्स को सबको खाना दे देता है, अपने फ्रूट्स को, और हम उस खाने को खा लेते हैं। ठीक है बच्चों, मजा आया ना? वेरी गुड। तो ये इसी फूड की वजह से जो प्लांट्स की पत्तियां हैं लीव्स हैं वो ग्रोथ करती हैं और फ्रूट्स उसमें आते हैं और बड़े हो जाते हैं प्लांट्स। ठीक है तो बच्चों ये बताओ, अब हम प्यारी सी कविता बोलते हैं, ठीक है, एक प्यारी सी पोएम रिसाइट करेंगे और मैं बोलूंगा, फोटोसिंथेसिस पे ही है और आप उसको रिसाइट करेंगे। ठीक है तो चलिए, स्कूल से एक दिन घर आकर मैं क्या, स्कूल से एक दिन घर आकर मैं पेड़ से करने लगा सवाल, स्कूल से एक दिन घर आकर मैं पेड़ से करने लगा सवाल, अपना भोजन तुम खुद ही बनाते क्या, अपना भोजन तुम खुद ही बनाते, कैसे करते हो ये कमाल, कैसे करते हो ये कमाल। ठीक है ऐसे बोलिए मेरे साथ बच्चों, हंसकर क्या, हंसकर बोला पेड़ मुझसे, आओ तुम्हें समझाता हूं क्या, आओ तुम्हें समझाता हूं, हरे भरे कैसे रहते हैं, राज तुम्हें बतलाता हूं, राज तुम्हें बतलाता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड मुझको क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मुझको हवा से है मिल जाती, इसे हवा से है मिल जाती, धरती माँ मेरी जड़ों को क्या क्या, धरती माँ मेरी जड़ों को पानी है पिलाती क्या क्या, पानी है पिलाती। वेरी गुड। सूरज की किरणों से मैं क्या, सूरज की किरणों से मैं होता ऊर्जावान, उसके बाद क्लोरोफिल क्या, क्लोरोफिल मेरे पत्तों को करता है ऊर्जावान क्या, करता है ऊर्जावान। वेरी गुड। ठीक है अब पढ़ते हैं, तुम सबको खुशहाल बनाओ क्या, तुम सबको, पेड़ हमको खुशहाल बनाता है ना, यही मेरी अभिलाषा है क्या, तुम सबको खुशहाल बनाओ यही मेरी अभिलाषा है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ क्या, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, जन जन से यही आशा है। तो बच्चों ये कविता मजा आया ना सुन के, तो ऐसे ही आपको डेमो देना है, ठीक है, और बच्चों के सामने आप डेमो को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एक फोटोसिंथेसिस का टफ टॉपिक है, आप जनरली फोर्थ और फिफ्थ के चैप्टर्स प्रिपेयर करिए और ईवीएस और मैथ पे ज्यादा जोर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं और यही समझाएगा, ठीक है, मेन डेमो में यही समझाना होता है, बहुत टफ होता है। तो चलिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और ऐसे वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू करवा रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो 8853 9544 96 पर मैसेज करके उस ग्रुप को जुड़ सकते हैं और अपने डेमो अपने इंटरव्यू अपना इंट्रोडक्शन सब कुछ वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जय हिंद जय भारत।